तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कवरिया बम मिले हैं। तो चलिए जानकारी करते हैं कि रास्ता का क्या स्थिति है, तो चलिए जानते हैं। तो बम जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। मैं नवीन अग्रवाल, रांची झारखंड लोहरदगा के पास से आया हूँ, है ना। मेरी ये 11वीं कांवर यात्रा है, जिसमें आठ आठ सावन की है और तीन ठंड की कांवर की यात्रा का मौका मिला है। ये कांवर यात्रा हमें बहुत यादगार बना रही है। हम लोग 80 लोग आए हुए हैं रांची और असम गुवाहाटी से। ये सावन के कांवर यात्रा से भी अच्छा हम लोग ठंडा का कांवर यात्रा करने को मिल रहा है, अच्छा है ना। और ये यात्रा हम कह रहे हैं झारखंड में सबसे यूनिक यात्रा माना जाता है ना। अब जो भी इंसान इस कांवर यात्रा में आएंगे उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, यह सच्चा भक्त बता रहा है। अभी देखिए काफी ठंड भी है, तो जैसे कि ठंड में बम जी आप लोग मतलब कि किस प्रकार से दिक्कतें अगर रास्ते में होता होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हम लोग तो भगवान के संतान है, भगवान सबको ले जा रहा है। भगवान के बनाए हम लोग है कि हम लोग कोई माँ बाप किसान बाल बच्चा रोएगा तो माँ बाप को तकलीफ होगा कि नहीं? हाँ, तो हम लोग तो बच्चे के संतान, इसी संतान है, तो हम लोग भगवान कैसे तकलीफ होने देगा। अच्छा, जैसे कि सावन में हम लोग यहाँ पे देखे थे पथ वगैरह, जो रास्ता था उसमें बालू वगैरह डाल दिया था, अभी तो नहीं मिलता होगा? नहीं, अभी नहीं मिलता है। सब है, लेकिन अभी कावर अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। रोड बहुत अच्छा है, यहाँ की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। गद्दार लग रहा है, कहीं कहीं कुछ तो होगा ही, कुछ कमी भी, इंसान तो सब कुछ नहीं हो सकता, कभी से होगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो सावन के बाद नहीं करता है, सावन के बाद नीर करता है, तो अभी भी बहुत सारा कवरिया आ रहे हैं ना। हमारे गुरु के 75 अभी ना, अभी हाँ 75 बारह मास आता है, बारह मास ना, बारह मास। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और मैं एकादशी को कांवर आपको मिलेगा। यहाँ से फिर आप बासुकीनाथ भी पैदल जाएंगे या? वह भी पैदल जाते, पैदल ही जाएंगे। तो दोस्तों ये थे, हम आपको दिखाएं, बहुत ही अच्छा लगा बम जी। बोल बम हर हर महादेव, बोल बम, ठीक है, थैंक यू। बोल बम, हम देवघर से ही है। देवघर से? जी जी, ठीक 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 ठीक, थैंक यू। अभी क्रिएशंस में आ जाए।